अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। फसादात की लू अब हुबली तक पहुंच चुकी है। कल दिल्ली में भी फसाद हुआ। हनुमान जयंती के नाम पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। हर रोज एक किसी न किसी जयंती को लेकर ये फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। साथ में कुछ फिरका परस्त अफराद सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर तशद्दुद को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि अभिषेक हिरेमट नाम के एक शख्स ने मक्का मदीना पर भगवा परचम लगाकर एक तौहीन आमोज पोस्ट को वायरल किया। इसके बाद हुबली शहर में गम गुस्से का माहौल देखा गया मुसलमानों के अंदर, और वो जिस कदर कल आपने देखा कि किस कदर मुसलमानों की एक भीड़ पुलिस स्टेशन के सामने इंडी पंप के सामने जमा हुई और उन्होंने अपने गुस्से का मुजहरा किया। लिहाजा आखिर में लाठी चार्ज भी हुआ। फिलहाल क्या मौजूदा हालात है हमारे नामा निगार शोएब मिर्जा आप तक खबर को पहुंचाएंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नाजरीन मशहूर अहमद मिर्जा इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडी पंप पुलिस स्टेशन के बाहर, जहाँ कल पथराव की घटना पेश आई। इस जीवन के अंदर कल जो वाकया पेश आया, जहाँ पर गुस्ताखी की गई थी, जो पोस्ट वायरल हुआ था, उस जीवन में मुजरिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। FIR भी दर्ज की गई। उसके बाद जो पथराव का जो मामला पेश आया वो यहीं पर पेश आया था। आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह सख्त बंदोबस्त यहाँ पर किया गया। काफ़ी तादाद में पुलिस की तफरी मौजूद है। काफ़ी तादाद में पुलिस के मुख्तलिफ शोबे जात से यहाँ पर अफराद आ चुके हैं। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियाँ पर मौजूद हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह पुलिस की गाड़ियाँ जो है यहाँ पर आ रही हैं। कल रात जो यहाँ पर जो कुछ हादसा पेश आया, अब तक पुलिस ने तकरीबन 150 अफराद को गिरफ्तार किया है। गहरी तहकीकात जारी है। यहाँ पर कई लोगों को अंदर रखा हुआ था, अब यहाँ से उनको निकाल कर कहीं बाहर ले जाया गया है। 150 अफराद को जो है पुलिस कस्टडी में लिया गया है। मजीद लोगों की जो है अरेस्टिंग होने का अंदेशा है। पुलिस की तहकीकात जारी है। इस ज़मन में हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसकी अपडेट जो है बताते रहें।